हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के अग्निपथ स्कीम के तहत रैली भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। ये ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट के माध्यम से ही हम फॉर्म फिल करेंगे। इस वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। यदि आप मोबाइल से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वेबसाइट ओपन करने के बाद इस 3 डॉट पे क्लिक करें। इसके बाद डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करें। इसके बाद आपकी मोबाइल स्क्रीन सेम कंप्यूटर स्क्रीन के जैसे ही शो होगी, जिससे आपको फॉर्म फिल करने में आसानी होगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वेबसाइट ओपन करने के बाद पेज को स्क्रोल करें। अब यहाँ पर देखें JCO या OR या अग्निपथ एंट्री के बी वॉल पे क्लिक करें। यहाँ पर आप सभी लेटेस्ट रैली अग्निपथ स्कीम के तहत देख सकते हैं। आप जिस भी RO या ARO का रिक्रूटमेंट रैली देखना चाहते हैं तो आप उसके नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरीके से नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बेंगलोर RO में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। बेंगलोर RO का जो रैली आयोजन है वो 10 अगस्त 2022 से 22 अगस्त 2022 तक किया जाएगा। इसी तरीके से ARO औरंगाबाद का भी देख सकते हैं। अब आप जिस भी RO या ARO का चेक करना चाहते हैं उसके सामने नोटिफिकेशन पे क्लिक करके देख सकते हैं। आप अग्निपथ स्कीम के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किंतु अप्लाई तभी कर सकते हैं जब आपके क्षेत्र के RO या ARO का रैली नोटिफिकेशन जारी किया गया हो और आपका डिस्ट्रिक्ट उसमें शामिल हो। इसलिए आपको नोटिफिकेशन चेक करते रहना है। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होता है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अप्लाई करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए अब आप अग्निपथ पे क्लिक करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है जिन्हें आपको रीड कर लेना है। रीड करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पर स्टेट या यूटी सेलेक्ट करें। यदि आपके पास आधार कार्ड है तो इसे सेलेक्ट रहने दें। यदि आपके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है, आपके पास अभी इनरोलमेंट नंबर है, तो आप इसे सेलेक्ट करें। यदि आप यहां पर आधार नंबर सेलेक्ट करते हैं, यहां पर आपको आधार नंबर इंटर करना है और यदि आप इनरोलमेंट नंबर सेलेक्ट करते हैं, यहां पर आपको इनरोलमेंट नंबर इंटर करना है। यदि आपके स्टेट के लिए आधार कार्ड रिक्वायर्ड नहीं है तो नन ऑप्शन भी शो होगा, जिसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास आधार नंबर या इनरोलमेंट नंबर है तो आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप अपना फुल नेम इंटर करें। यहाँ पर फादर या गार्जियन नेम इंटर करें। इसके बाद मदर नेम इंटर करें। यदि आप फादर या मदर का कोई एक नेम इंटर करना चाहते हैं तो आप कोई भी एक इंटर कर सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें। सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करें, इसके बाद मंथ सेलेक्ट करें, इसके बाद डे सेलेक्ट करें। यहाँ पर आपको अपना नेम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी और यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करें। डिक्लेरेशन चेकबॉक्स को टिक करें। इसके बाद कैप्चा फिल करें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करें। अब आपके ईमेल आईडी पे OTP सेंड किया गया है, उस OTP को यहाँ पर इंटर करना है। OTP इंटर करने के बाद कैप्चा फिल करें। यदि आपका कैप्चा रीडेबल नहीं है तो आप रिफ्रेश पे क्लिक करके रिफ्रेश कर सकते हैं। यदि आपके ईमेल आईडी पे OTP प्राप्त नहीं हुआ है तो आप अगेन जनरेट OTP पे क्लिक करके OTP प्राप्त कर सकते हैं। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। इसके बाद हाइट सेलेक्ट करें। यहाँ पर आपको अपनी हाइट सेंटीमीटर में सेलेक्ट करना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। यहाँ पर तहसील सेलेक्ट करें। अब यहाँ पर आपको एजुकेशनल डिटेल्स फिल करनी है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें। आपके पास जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसे आप सेलेक्ट करें। यहाँ पर आपने जो भी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट किया है, अपियरिंग है या पास है, सेलेक्ट करना है। मैट्रिक या 10th बोर्ड आप किस बोर्ड से पास आउट है उसे सेलेक्ट करना है। यदि आप 10th क्लास स्टेट बोर्ड से पास आउट है, यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको 10th क्लास का सर्टिफिकेट नंबर इंटर करना है। यदि आप रजिस्टरिंग कैंडिडेट हैं, यानी कि दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं, तो एस पे क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर आपको आर्मी नंबर इंटर करना है और यहाँ पर कॉप्स या रेजिमेंट सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर रैंक इंटर करना है और यहाँ पर यूनिट इंटर करना है। यदि आप रजिस्टरिंग कैंडिडेट नहीं है तो नो सेलेक्ट करें। अब यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड की जो लेंथ है वो कम से कम 8 कैरेक्टर होना चाहिए, जिसमें कम से कम एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक नंबर और एक सिंबल होना चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड क्रिएट करें। इसके बाद सेम पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड में भी इंटर करना है। अब यहाँ पर कैप्चा फिल करें। यहाँ पर वही स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और तहसील सेलेक्ट करें जिसका आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है।
सभी डिटेल्स फिल करने के बाद सेव पे क्लिक करें। अब यहाँ पर कैप्चा फिल करें, इसके बाद इंटर वेबसाइट पे क्लिक करें। इसके बाद आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपकी डिटेल्स शो होगी। यदि आप इस डिटेल्स को चेंज करना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं तो माई प्रोफाइल पे क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद अब आप चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करें। आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, यहाँ पर सभी पोस्ट शो होगी। यहाँ पर अग्निवीर की है और यहाँ पर रेगुलर है, जो कि रेगुलर के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है, सभी वैकेंसी अग्निवीर के तहत है। यहाँ पर कैटेगरी है और यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और यहाँ पर एज है। यदि आपके प्रोफाइल में चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन नॉट ओपन शो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके आरओ एंड एआरओ के द्वारा एप्लीकेशन इनवाइट नहीं किया गया है। जैसे ही अप्लाई लिंक ओपन होगी, यहाँ पर अप्लाई शो होगा। इसके बाद आप भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप जिस भी कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने अप्लाई पे क्लिक करें। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन ओपन होंगे जिन्हें आपको रीड करना है। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। यहाँ पर रिलीजन सिलेक्ट करें, इसके बाद क्लास सिलेक्ट करें। आप जिस भी क्लास से हैं उसे आप सिलेक्ट करें। यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है। फोटो का जो फाइल साइज है वो 5 KB से 20 KB के बीच होना चाहिए। और यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का जो फाइल साइज है वो 5 KB से 10 KB के बीच होना चाहिए। फोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करें, फोटो सिलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। यहाँ पर आपकी फोटो शो होगी। इसी तरीके से आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करना है, परमानेंट एड्रेस फिल करें। अब यहाँ पर आपको मकान नंबर इंटर करना है और यहाँ पर एड्रेस इंटर करना है। जिसमें स्टार मार्क है उसे आपको इंटर करना है, जिसमें स्टार मार्क नहीं है यदि आप इंटर करना चाहते हैं तो इंटर करें और ना आप इसे ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद विलेज इंटर करें और यहाँ पर सिटी या टाउन नेम इंटर करें। यहाँ पर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और तहसील ऑलरेडी सिलेक्ट है। इसके बाद ब्लॉक या लोकेलिटी इंटर करें। यहाँ पर पिन कोड नंबर इंटर करें और यहाँ पर पुलिस स्टेशन इंटर करें। इसके बाद पोस्ट ऑफिस इंटर करें और यहाँ पर टेलीग्राम ऑफिस इंटर करें। यहाँ पर जिसमें स्टार मार्क है उसे इंटर करना आवश्यक है। इसके बाद यहाँ पर आपको करेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को टिक करें, यदि अलग अलग है तो आप यहाँ पर फिल करें। एड्रेस डिटेल्स फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको डिटेल्स फिल करनी है। यदि आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो यहाँ पर आप एस सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स लेवल सिलेक्ट करना है और यहाँ पर अपनी स्पोर्ट्स पोजीशन सिलेक्ट करें। यदि स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है तो नो सिलेक्ट रहने दें। यदि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो यस सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर आपको एनसीसी सर्टिफिकेट टाइप सिलेक्ट करना है। यदि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप नो सिलेक्ट रहने दें। यदि आप इन स्पेशल कैटेगरीज के अंतर्गत आते हैं तो आप स्पेशल कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना है। आपके पास जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसे आप सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर आपके पास वैलिड LMV यानी कि लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यहाँ पर एस सिलेक्ट करें, और यदि आपके पास वैलिड LMV ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो नो सिलेक्ट करें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें, ओके पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको एजुकेशनल डिटेल्स फिल करनी है। क्वालिफाइंग कोर्स सिलेक्ट करें। यदि आप 8th क्लास पास है तो 8th सिलेक्ट करें, यदि आप 10th क्लास पास है तो 10th सिलेक्ट करें। इसके बाद बोर्ड या एजुकेशन यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें। इसके बाद पासिंग ईयर सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर रोल नंबर और यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर इंटर करें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद एड पे क्लिक करें, ओके पे क्लिक करें। यहाँ पर क्वालिफिकेशन एड हो चुकी है। यदि आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो एडिट पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, और यदि डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। आपके 10th में जो भी सब्जेक्ट है उन सभी की डिटेल्स फिल करनी है। सब्जेक्ट सिलेक्ट करें। यहाँ पर आपने जो भी सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है उसका यहाँ पर ऑब्टेन मार्क और यहाँ पर टोटल मार्क्स इंटर करना है। मार्क्स फिल करने के बाद एड न्यू रो पे क्लिक करें, ओके पे क्लिक करें। यहाँ पर आपका परसेंटेज शो होगा। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर ऑब्टेन मार्क और यहाँ पर टोटल मार्क्स इंटर करें। इसके बाद एड न्यू रो पे क्लिक करें। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट सिलेक्ट करें। यदि आपका सब्जेक्ट इस लिस्ट में नहीं है तो आपको अदर सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट नेम इंटर करना है। सब्जेक्ट नेम इंटर करने के बाद यहाँ पर ऑब्टेन मार्क और यहाँ पर टोटल मार्क्स इंटर करना है। इसके बाद एड न्यू रो पे क्लिक करना है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको 10th क्लास के सभी सब्जेक्ट के मार्क्स फिल करना है। सभी सब्जेक्ट के मार्क्स फिल करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशनल डिटेल्स के अनुसार इन इन पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं। यदि आप इस पोस्ट में चेंज करना चाहते हैं
तो आप चेंज एप्लीकेशन में क्लिक करें। यदि आप इस पोस्ट को ही कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू पे क्लिक करें। इसके बाद आपके फुल एप्लीकेशन डिटेल्स ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, आपका जो रोल नंबर है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोज होने के बाद जनरेट हो जाएगा। इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म क्लोजिंग के पहले एडिट कर सकते हैं। यदि आपका रोल नंबर जनरेट हो जाता है तो इसके बाद आप एप्लीकेशन में एडिट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करें। आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। ओके पे क्लिक करें। यदि आप इस एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट करना चाहते हैं तो क्लोजिंग डेट से पहले एडिट कर सकते हैं। अब आप हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन में क्लिक करें। यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन शो होगी। क्लोजिंग डेट के बाद यहाँ पर आपका रोल नंबर जनरेट हो जाएगा। व्यू में क्लिक करके आप एप्लीकेशन फॉर्म को देख सकते हैं। सभी स्टेप कंप्लीट करने के बाद लॉगआउट पे क्लिक करके लॉगआउट कर दें। यदि आप कोई स्टेप कंप्लीट करना चाहते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करना चाहते हैं या फिर एडिट करना चाहते हैं, तो आप अग्निपथ पे क्लिक करें। इसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करें। अब यहाँ से आपको लॉगिन करना होगा। यहाँ पर आपको यूजर नेम यानी कि ईमेल आईडी इंटर करनी है और यहाँ पर आपको पासवर्ड इंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा फिल करना है। डिटेल्स फिल करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। इसके बाद आप सभी प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।